तेजस्वी प्रकाश ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया उन लोगों को जवाब जो लोग उनके काम पर उठा रहे थे सवाल। आखिरकार क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्यों कहा है, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई देखिए, तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 के बाद से ही एक ऐसी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं जिनके लिए उनके फैंस जहाँ एक तरफ कंसर्न है तो वहीं पर उनके काम को काफ़ी ज़्यादा जज भी किया जाता है। जहाँ एक तरफ 10 से 11 साल इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी उन्हें उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी कि उन्हें बिग बॉस करने के बाद मिली और उसके बाद में नागिन से। वाला आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही थी कि क्यों तेजस्वी प्रकाश अच्छे काम नहीं कर रही हैं, क्यों नागिन सेक्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, उन्हें और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स शायद से नहीं मिल रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसके लिए उन्होंने नागिन सेक्स को चुना हुआ है। सो गाइस, आपको बता दें यहाँ पर कि तेजस्वी प्रकाश ने इन सब चीज़ों पर दे दिया है जवाब। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तेजस्वी प्रकाश की तस्वीरें हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो ग्लैमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं तेजस्वी प्रकाश, और अगर पिक्स की मैं बात करूँ तो ऐसा लग रहा है या तो किसी म्यूज़िक वीडियो के पिक्स है और कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा है कि कुछ आने वाला है, नहीं तो मे बी उन्होंने फ़ोटोशूट कराया हो। खैर, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें इसका जो कैप्शन है इस पर हर किसी की नज़र जा रही है और कैप्शन में उन्होंने लिखा है टेकिंग द स्टेयर अपवर्ड्स एट माई ओन पेस। सो यहाँ पर तेजस्वी जो है वो अपने पेस के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, यानी कि उनकी सीढ़ियाँ, उनके करियर की सीढ़ियाँ जो हैं वो फिलहाल अपने पेस के हिसाब से चल रही हैं और जहाँ उन्हें काम करना होगा, जैसे उन्हें काम करना होगा वो डेफिनेटली करेंगी। बॉलीवुड में भी अपॉर्चुनिटी मिली तो तेजस्वी प्रकाश उससे भी पीछे नहीं हटेंगी। वह आपको बता दें कि उनकी मराठी फिल्म आ रही है कस्तूरी रे, आप लोग सबका क्या कहना है इस पर, आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहें ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।